अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग बेयरिश नोट पे हुई है और ये जो डोजी हुआ है बना था इवनिंग स्टार, इसकी कंफर्मेशन भी हुई है साथ साथ। अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो वॉल्यूम भी थोड़े से श्रिंक हुए हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हुआ है। तो पार्टिसिपेशन जो इस वीक में बहुत कम देखी गई एज कम्पेयर टू लास्ट वीक, जब यहाँ डोजी हुआ था और मैंने कहा था इनडिसाइसिव है और इवनिंग स्टार है तो इसकी कंफर्मेशन या निगेशन बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा था नेक्स्ट वीक तक के लिए वेट करें, तो ये इस वीक में जो है इसकी कंफर्मेशन हो गई है। तो हो सकता है कि ये मजीद जो है, क्योंकि अब सीपीआर भी जो है नीचे की तरफ आ रहा है और थोड़ा सा यहाँ से देखें ना एक्सपेंड हो रहा है नीचे की तरफ से, देखें यहाँ से ये तो दो लाइनें सही है, श्रिंक हो रहा था पहले। तो मैंने कहा था वॉलेटिलिटी डाउन साइड या अपसाइड दे सकते हैं, तो डाउन साइड पे हमने वॉलेटिलिटी देखी, तो हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ा सा साइडवेज रहे इन बिटवीन 62,700 और 63,000 तकरीबन 500, तो इसके दरमियान शायद मूव करती रहे। तो अभी भी स्ट्रेटेजी हमारी यही होनी चाहिए कि सेल ऑन स्ट्रेंथ टिल, मैंने सोशल मीडिया में कहा था, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, अगर हम प्राइस सेक्शन के हिसाब से बताऊं तो आपको टिल ये वाला लेवल जो है 64, ये वाला 63,000, ये इसके प्राइस सेक्शन के हिसाब से बनता है वीकली पे 63,865 ये वाला लेवल जो है, और इसके दरमियान जो है ये वाला लेवल जो हम कहेंगे ये वाला लेवल, इसको थोड़ा सा मैं अपसाइड बुक कर दूं जहां से हम ये वीक बनते हुए देख रहे हैं। ठीक है, ये हम इसकी ये वाला लेवल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लेवल जो है इस ये जो डोजी बना था इसकी विक के साथ अगर हम लें तो 63,865 और 65,344, ये जो है इसके अंदर अगर इंडेक्स मूव करता है, जैसे यहाँ पे देखा तो मूवमेंट नहीं है, रिजेक्शन हमने देखी इसके ऊपर, तो एटलीस्ट अगर हम देखें तो ये वाला लेवल ठीक है, और हम बीच में भी एक और लेवल दे देते हैं जो कि मैंने सोशल मीडिया में कहा था 64,400। ठीक है, ये डेली पे है, मैं आपको डेली पे ही बता देता हूं, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं। ठीक है, डेली पे देखें तो ये यहाँ पे दो दफा इस एरिया को सपोर्ट जो है किया था 64,441 के अराउंड, ये वाला है, और फिर इसके बाद जो है हमने डाउन साइड देखा एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन। ठीक है, यहाँ पे ब्रीच किया उस लेवल को, फिर हमने काफी मैसिव सेलिंग देखी इसके बाद अगेन। अब इस एरिया में जो है डेली चार्ट के हिसाब से 64,440 से लेके 65,340 तक, ठीक है, ये मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ। तो ये देखें यहाँ पे रिजेक्शन हम देख रहे हैं और यहाँ पे हम सपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन अगर डेली पे देखें तो अब ये एरिया जो है बिटवीन, ये देखें इसके प्राइस सेक्शन के हिसाब से देखें तो 64,440 और 63,865 ये एरिया जो है अब ब्रेकआउट जो डेली पे जो है, ये डेली का ब्रेकआउट है ठीक है, और ये वीकली का ब्रेकआउट है। पहला ब्रेकआउट जो है डेली का वो 63,865 से लेके 64,440 तक है, मैंने कहा था एटलीस्ट 64,400 के ऊपर, मैंने राउंड फिगर में कहा था कि 64,400 के ऊपर ऑन डेली एंड वीकली बोथ। ठीक है ना, मैं इसे आपको बता दूं ये वाला एरिया जो है वीकली बोथ, क्योंकि यहाँ देखिए क्लोजिंग नहीं आ रही, यहाँ पे अपसाइड जाते हैं 63,065,300 तक भी गई, 344 का भी आई, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन विटनेस की गई और क्लोजिंग देखें इस एरिया में कहीं नहीं आई है। ये ओपनिंग थी इसकी इस कैंडल की 64,865 और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी मार्केट, ये वाला लेवल जो डोजी का था क्लोजिंग ये तकरीबन 64,680 बनता है, लेकिन नहीं हुई और इंडेक्स जो है वो नीचे ही क्लोज हुआ। अब यहाँ पे भी देखें तो स्लाइटली सा ये 64,400 के ऊपर ये वाली कैंडल हुआ था, लेकिन अगली कैंडल जो जैसे लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि इवनिंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ है, इनडिसाइसिव है, दैट मीन्स कि यहाँ पे या मार्केट नीचे आ सकती है या ऊपर जा सकती है। इसकी कन्फर्मेशन कोई बुलिश कैंडल कर सकती है फॉर फर्दर अपसाइड, और निगेशन जो है कोई बेरिश कैंडल कर सकती है। तो निगेशन हुई है इसकी, तो मेरा मशवरा यही है, मेरी एडवाइस ये, क्योंकि रोल ओवर वीक भी चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट चेंज होंगे, तो थोड़ा मोहतात रहिए और सेल ऑन स्ट्रेंथ और बाय ऑन डिप,
जो ट्रेडर है वो उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो प्लान करें ट्रेड की अपनी इसी तरह से, और डाउन साइड पे जो है मैं आपको वीकली के हिसाब से ही बता देता हूं। यहाँ पे जो है ये इसकी नेकलाइन सपोर्ट यहाँ पे आ रही है, ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूं। ये 62,440 के अराउंड जो है, या इस ये जो डोजी फॉर्म होता है मॉर्निंग स्टार, और इसकी कंफर्मेशन हुई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे देखें विक बन गई है अपर साइड पे, तो यहाँ से रिजेक्शन आ रही है। तो इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें, अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से और प्राइस एक्शन के हिसाब से देख लेते हैं, तो इसको से मैं थोड़ा सा ये दो कैंडल को मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और इसकी क्लोजिंग इसकी ओपनिंग, ठीक है ना। इस कैंडल जो डोजी फॉर्म हुआ था ऑन वीकली टाइम फ्रेम मॉर्निंग स्टार, तो वो क्लोज हुआ था 62,440 के अराउंड, ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीक में जो कैंडल जो है वो क्लोज हुई थी वो हुई थी सॉरी ये वाला एरिया जो है 64,400 या 64,500, ठीक है, ये वाला लेवल जो है 64,500 आप राउंड फिगर में ले लें, तो ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी। और इस लास्ट वीक सॉरी ये था 6 जनवरी वाला, तो यहाँ क्लोज हुई थी, और ये 29 दिसंबर के बाद से लेके हमने 6 जनवरी तक अच्छी मूवमेंट देखी। तो इसके बाद अगेन वही सिनेरियो मैंने आपको बताया कि यहाँ से इसकी निगेशन हुई है इवनिंग स्टार की, जिस तरह मॉर्निंग स्टार हुआ था इसकी कंफर्मेशन हुई, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ बुलिश कैंडल हुई और डोजी बना, हो सकता है ये बेरिश कैंडल हुई तो यहाँ पे डोजी बन जाए, या इवन यहाँ पे मैं आपको ये डाउन साइड बता देता हूँ। ये इसकी ओपनिंग थी लास्ट वीक की 61,600, तो ये एक एरिया ऑफ वैल्यू जो है हमारे पास आ गया है ऑन वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके जूम इन करके, और एक्सपेंड काफी हो गया, मैं जूम इन करके अब आपको ट्रेल लाइन के हिसाब से बताता हूँ। ये मैंने आपको प्राइस सेक्शन के हिसाब से बता दिया, और सीपीआर का लेवल जो है वो जरूर आप इसको नोट करके, सीपीआर के लेवल जो है वो 64,037 अपर बैंड है, 63,523 मिडिल बैंड है, और 62,774 लोअर बैंड है। तो क्लोजिंग जो है लोअर बैंड के ऊपर आई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मिडिल बैंड है 63,523 उससे स्लाइटली थोड़ा सा नीचे क्लोज हुई है, तकरीबन 63,282 पॉइंट्स के अराउंड। तो चलिए हम इस यहाँ पे थोड़ा हम इसको अप्लाई करते हैं, ट्रेंड लाइन को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ये हम पहले तो ये लेंगे, ठीक है, ये वाला एरिया, ये यहां से देखें ना डोजी का हमने ये क्लोजिंग ली, इसकी अब ये वाली डोजी की क्लोजिंग ली है। अच्छा आप देखें इस पे सिंक्रोनाइजेशन देखें, यहाँ क्लोजिंग है लेकिन वही नीचे इसकी नेगेशन हुई है, क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आई, ये वाली क्लोजिंग थी एक्चुअली 66,000 के अराउंड, 100-200 पॉइंट आगे पीछे ये, और इसकी भी क्लोजिंग जो है वो तकरीबन 64,637 65,600 ये इसके अराउंड हुई है। तो ये इसको हम लेंगे, और डाउन साइड से भी जो हम यहाँ पे एक ये यहां से लेंगे, ये देखें ये तकरीबन एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सिमेट्रिकल ट्राइंगल और ये भी ऑब्वियसली शो कर रहा है कि यहाँ पे इनडिसाइसिव है, ये वीक बिल्कुल जो है ना, ठीक है ना। अब ये आने वाला वीक डिसाइड करेगा कि अगर इसकी क्लोजिंग इसकी मैंने जैसे आपको बताया था एटलीस्ट 64,400, ठीक है ना, 64,000 ये एक्चुअली ये इसका अपर बैंड जो है ना वो 64,000 के ऊपर बन रहा है। तो यहाँ कोई इस क्लोजिंग इसके ऊपर आती है फॉर सपोज 64,000 विद इंक्रीजिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड हैवी वॉल्यूम्स, या 65,000 बहुत अच्छा है इसके ऊपर क्लोजिंग बुलिश कैंडल बनती है तो आप मजीद अपसाइड हम देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो सीपीआर और जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल है इनमें आपस में सिंक्रोनाइजेशन ये बता रही है कि साइडवेज रहेगी मार्केट आने वाले दिनों में, क्योंकि कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपने देखा बिटवीन पाक ईरान बॉर्डर जो है वो थोड़ी सी टेंशन रही है,
तो उसकी वजह से इस वक्त इन्वेस्टर जो है वो कॉशियस है, मजीद इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग की तरफ उनका रुझान है। तो ऑन डाउन साइड जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला लेवल जो इसकी क्लोजिंग है 62,300 के करीब, इसके नीचे कोई बेयरिश कैंडल बनती है तो फिर आप सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखेंगे। और ट्रेडर मैंने आपको बताया, और ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर जो है डेली टाइम बेस पे आप जो है बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, क्योंकि अभी यही आप देख रहे हैं कि काफी वॉलिटिलिटी रहती है डे ऑन डे बेसिस पे देखें ट्रेडिंग आवर, लेकिन विद स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस जो है आप ट्रेल करते हुए चलें। और अपसाइड पे मैंने आपको बता दिया 64,037 है, लेकिन मैंने 64,400 बोला हुआ, ये वाला लेवल 400-500 का लेवल, तो इसके ऊपर जो है क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है, तो फिर आप उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल करना ना भूलें, ठीक है। अच्छा, डाइवर्जेंस की तरफ हम देख लेते हैं, कोई डाइवर्जेंस तो नहीं है हमारे पास, डाइवर्जेंस तो अभी कोई डाइवर्जेंस नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि मार्केट इसी के अकॉर्डिंगली चलेगी। सॉरी, जिस तरह मैंने आपको बताया है, अभी कोई ब्रेकआउट मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है। कन्वर्जेंस पे ही चल रही है इस वक्त मार्केट, अकॉर्डिंगली जो है परफॉर्म कर रही है, अपना बिहेवियर जो वो शो कर रही है अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से और कैंडल स्टिक से बताया, तो मार्केट उसी के अकॉर्डिंगली चल रही है, ठीक है। कोई अभी डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है, तो बी कॉशियस, बी केयरफुल, बी कॉशियस, रोल ओवर वीक भी है, तो इसी तरह से आप अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें। यहाँ पे मैं वीकली पे यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री भी लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप इसको सेव कर लें, तो आपको पता चल जाए ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो थोड़ा सा एक रैपअप कर लेते हैं, एरिया ऑफ वैल्यू जो है 62,443 से लेके 61,614, और वीकली पे बता रहा हूँ, और ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री जो है वीकली पे वो बन रही है बिटवीन 64,500 से लेके 65,340, तो ये लेवल्स हैं ब्रेकआउट के और एरिया ऑफ वैल्यू के वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप मतलब दैट मींस कि यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं विथ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अपसाइड पे यहाँ पे ये वाला लेवल जैसे मैंने सीपीआर का आप ले लें, लेवल 63,000 मिडिल बैंड जो है 63,500, यहाँ पे आपने सेलिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे सेल जरूर करना है, एटलीस्ट हाफ 25% या 50% जब आपने बाय किया वो सेल करें, और बाकी 50% का आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलें। तो यही स्ट्रेटेजी अब जो है अडॉप्ट करेंगे आने वाले दिनों में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।